हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो जी दोपहर का वक्त हो गया है और मैं अभी कर रही हूँ बच्चों का वेट तो लंच वगैरह बन के तैयार है बच्चों के पापा गए हैं बच्चों को लाने के लिए और आज मैंने ना ये बनाया है आलू का थिचौनी और साथ में चावल तो ये जो आलू का थिचौनी है आप लोगों को पता ही होगा जो से है तो ये इस तरीके से बनता है लोहे की कढ़ाई में और ये बहुत, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है तो आलू को सिलबट्टे में कूट के इसको बनाते हैं मैंने आप लोगों के साथ पहले रेसिपी शेयर भी की है तो अगर आपने बनाया है ना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार एक कॉमेंट आया था इसको लेकर कि हम मैंने बनाया था लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया तो देखिए मतलब हर जगह का अपना एक अलग टेस्ट होता है और टेस्ट को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज़ आपको एकदम से पसंद आए ये चीज आपको तब पसंद आती है जैसे आप दो तीन बार खा लोगे कई चीज़ें ऐसी है जो मैंने फर्स्ट टाइम खाई वो मुझे पसंद नहीं आई लेकिन जब मैंने उसको दूसरी बार ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी फिर तीसरी बार खाया तो और अच्छी लगी तो ऐसा होता है लेकिन हाँ आप लोग बना के जरूर देखना मुझे तो अभी बच्चों का वेट कर रही हूँ जैसे ही बच्चे आ जाते हैं उसके बाद हम लोग करेंगे लंच जब बच्चे नहीं आते तब तक कर लेते हैं थोड़ी सी बातें थोड़े से कमेंट्स की बातें कर लेते हैं कल का वीडियो जो गया था उसमें कमेंट आया था कि हे hey, भगवान कितना घी डाल के खाना बनाते हैं कितना तेल डालते हैं खाने में और मोटी और ना जाने क्या क्या कॉमेंट था वो मैंने तो उसको डिलीट भी नहीं किया इनफैक्ट मैंने उसे पिन किया हुआ है तो उसने चैनल पर देखना तो भैया पहले तो ये बता दो घी मैं तुम्हारे घर से मंगाती हूँ जो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये जो लोग आके यूँ बोलते हैं ना ओहो इतना ऑयली खाना इतना घी वाला खाना ये खुद वही लोग हैं ना जो होटल में जाके ना वो भर भर के जो बटर वाला खाना होता है ना मक्खन वाला वो खाते हैं इनको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी इनको वो गंदे पिज्ज़ा से प्रॉब्लम नहीं होगी बर्गर से प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर घर में कोई अच्छे से साफ़ सफाई से जो है खाना बना रहा है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ऐसा ही कॉमेंट एक और आया था कि आप कितना ज़्यादा घी यूज़ करते हो खाने में तो हमारे यहाँ तो मतलब काफ़ी दिन चलता है तो मैं ये बता दूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा घी भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ लेकिन हाँ जब मैं बच्चों के लिए कुछ लेकिन जब मैं बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ ना तो मैं अच्छे से उसमें घी लगाती हूँ जैसे बच्चों के लिए सैंडविच बनाती हूँ मैं तो उसमें जो है मैं प्रॉपर तरीके से घी लगाती हूँ और क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसलिए उनके खाने में घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है तो यहाँ पर आ गए हैं मेरे बच्चे आज पापा कितनी लेट आए ये पीछे वाले केट हाँ। पे आज तुम्हारी बस जल्दी आ गई है है ना मैं थे उसके बाद जो है मैं यहां पर खाना लगा रही हूँ और दोनों बच्चों ने तो आते ही मना कर दिया था बोला हम लोगों को अभी खाना नहीं खाना है क्योंकि ये शायद ना जैसे इनका टिफिन वगैरह थोड़ा बहुत बच जाता है ना तो ये छुट्टी के टाइम पे खा लेते हैं बस में तो मुझे और वंशिका के पापा को तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी तो बस मैंने फिर दो प्लेट्स में जो है खाना निकाल लिया है और वंशी का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो गुस्से में उसने उस टाइम पे खाना खाया ही नहीं मतलब उसको इस बात का गुस्सा था कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हमको लेने आने में जबकि लेट नहीं हुए थे इनकी बस ही जो है ना दस मिनट पहले आ गई थी अपने स्टॉप पर तो हम लोगों को तो पता था नहीं दस मिनट पहले आ जाएगी लेकिन बच्चों को कहाँ ही समझ आता है खैर यहाँ देखिए खाना जो है मैंने लगा लिया है तो आज का खाना है नींबू का अचार चावल थिचौनी और साथ में मैंने प्याज भी कट कर लिए थे तो लंच वगैरह किया हमने फिर जो है आ, मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर और उसके बाद अब मैं करूँगी कपड़ों पे प्रेस ये इवनिंग का टाइम है तो अभी जो है ना मैंने बाहर कपड़े देने बंद कर दिए हैं तो मैंने प्रेस ही ख़रीद ली थी मेरे पास एक प्रेस थी वो ख़राब हो गई थी पता नहीं वैसे मुझे पता भी नहीं है वो ख़राब हुई भी है या नहीं हुई है लेकिन मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने न्यू प्रेस ही जो है आ, मंगवा ली थी तो ऐसा होता है ना जैसे अपने पास प्रेस हो तो आप घर के और भी पचास कपड़ों में प्रेस कर सकते हैं अब इतने सारे कपड़े हम लोग बाहर नहीं दे सकते क्योंकि क्या होता है ना कि यहां पर एक कपड़े का प्रेस करने का सात रुपए तक ले लेते हैं तो अगर हमने काफ़ी सारे कपड़े दे दिए तो बहुत सारा बिल जो है ना वो बन जाता है तो मैंने अपने सारे सूट वगैरह निकाल के रखे हुए थे मेरी जो कुर्तियाँ थी मुझे उनमें जो है प्रेस करना था तो बस मैं फटाफट से लग गई हूँ प्रेस करने में ये था कि आज जितने में हो पाएंगे ठीक है नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी मतलब एक ही दिन में पूरा जो है ये प्रेस का काम नहीं मैं करूँगी क्योंकि इसको करने में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है बट ये है कि अगर एसी वाले रूम पे कर रहे हो ना तब तो फटाफट से हो जाता है लेकिन अगर दूसरे वाले रूम पे मैं करती हूँ ना तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फ़ैन चला लो तो कपड़े ऐसे उड़ते हैं कि उनमें ढंग से प्रेस हो ही नहीं पाती है बस उसके बाद जो है ये शाम का वक्त है फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ तो इस दिन सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और उन्होंने ना पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो मेरे लिए जो है एक वो काम आसान हो गया था जब उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी और क्योंकि रोटी मुझे उसी टाइम पर बनानी थी तो आटा सेट करने का टाइम था नहीं मैंने जो है ना जल्दी से तवा चढ़ा दिया था गैस पर कि जब तक मैं आटा गूँधूँगी तब तक ये तवा जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा और गर्म तवे पर रोटियाँ जो है वो जल्दी जल्दी से बन जाती हैं हम लोगों ने जो है जल्दी जल्दी से डिनर किया और उसके बाद मैंने वही अपना किचन वगैरह क्लीन की आ, सोए हम लोग थोड़ा सा लेट ही थे क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे तो संडे के दिन ये था कि थोड़ा सा रिलीफ रहता ही है सुबह आराम से अपना उठ जाओ तो इस वजह से आ, फिर सैटरडे के काम थोड़े से लेट ही होते हैं हेलो एवरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो तो, तो संडे का दिन है शाम के बज गए हैं ठीक चार वैसे तो ये वाला जो टाइम होता है वो होता है मेरे सोने का मतलब मैं चार बजे ना हल्की सी एक नींद ले लेती हूँ बट आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं हल्की सी भी नींद लूँ क्योंकि कल है रक्षाबंधन सोमवार के दिन और मैं सोच रही थी कि कुछ तैयारी कर लेते हैं रक्षाबंधन के लिए जो है कुछ मिठाई बना लेते हैं तो रक्षाबंधन में एक ही मिठाई होती है जो सबको बहुत पसंद आती है वो होता है घेवर तो आज मैं घेवर जो है ना वो घर में ही बनाने वाली हूँ तो इसीलिए मैं आज सोई नहीं हूँ मेरा ये है कि अभी क्योंकि लग जाऊँगी तो देखते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है तो बस अभी शुरुआत करते हैं घेवर बनाने की सुबह ही मैंने जो है सारा सामान मंगवा लिया था और वंशिका का लंच जो है ना अभी चल रहा है मतलब उसने तब से खाना वाना नहीं खाया तो उसका लंच चल रहा है और यहाँ पर देखिए ये कालीन वगैरह लगा के बैठ गया है क्योंकि मुझे ना यहीं पर ही बैठ के काम करना है इस वजह से और बाकी का सारा सामान जो भी था घेवर का वो मैं मंगा चुकी थी तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते ज्यादा बातें नहीं करते फटाफट से जो है घेवर बनाना शुरू करते घेवर की रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है घेवर के लिए मैं करने वाली हूँ रबड़ी की तैयारी तो यहाँ पर जो है मैंने दो लीटर बफेलो मिल्क लिया है तो भैंस के दूध की जो मलाई होती है वो काफ़ी अच्छी गाढ़ी होती है तो रबड़ी जो है ना बहुत अच्छी बनती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा दो लीटर दूध जो है मैंने रबड़ी बनाने के लिए ही यूज़ कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं दो चीज़ें बनाऊँगी मतलब दो मिठाई बनाऊँगी दोनों में ही रबड़ी का यूज़ होता है अब उधर जो है दूध चढ़ा दिया है क्योंकि रबड़ी बनने में टाइम लगता है अंदाजे से डेढ़ कटोरी चीनी और उसी के हिसाब से जो है मैंने पानी रख लिया है दूसरे वाले बर्तन में और अभी एक तार की यहाँ पर मैं चाशनी बनाऊँगी जो कि घेवर में लगेगी बस अभी एक तरफ जो है दूध बॉईल हो जाएगा दूसरी तरफ चाशनी बन जाएगी तब तक कर लेते हैं घेवर की तैयारी तो सबसे पहले मैंने चार चम्मच जो है ना घी ले लिया है और ये घर का घी है और पिघला हुआ ही घी लें आप और उसके बाद मैं इसको बर्फ़ से जो है ना अच्छे से मिक्स करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये वाला प्रोसेस करने में हद से हद एक मिनट लगता है और इस तरीके से जैसे जैसे आप बर्फ़ के साथ घी को मिक्स करते जाएंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्मूद हो जाएगा जैसे मक्खन होता है ना बिल्कुल वही वाला जो है टेक्स्चर आना चाहिए और आ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि ये जितना भी प्रोसेस आप घेवर बनाने के लिए करें तो हाथ से ही करें मिक्सी का भी यूज़ आप कर सकते हैं लेकिन मैंने जो अपना पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आप हाथ से इसको फेटिंग है ना घेवर उतना ज़्यादा अच्छा बनता है मिक्सी में फिर भी वो वाली बात नहीं आती है थोड़ा सा देखिए टाइम तो लगता ही है लेकिन यह है कि चीज़ भी बहुत अच्छी बन के निकल के आती है तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर हो गया है अब मैंने एक कटोरी मैदा लिया है सबसे पहले थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ जो होती हैं वो नहीं पड़नी चाहिए और एक छोटा ग्लास मैंने फ्रिज का ठंडा दूध जो है इसमें ऐड किया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हाथों से जो है ना फेंटते रहेंगे और हमें जो है इसको एक साइड ही फेंटना है मतलब एक ही डायरेक्शन में फेंटना है कुछ इस तरीके से और सारा मैदा देखिए मैंने इसमें धीरे धीरे करके ऐड किया है मतलब एक साथ ही सारा मैदा नहीं डाला है और उसके बाद अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी जो है वो ऐड करेंगे तो जितना ठंडा पानी लोगे आप उतना बढ़िया घेवर बनता है और एक कटोरी जैसे मैदा होता है ना कम से कम भी पांच घेवर आराम से निकल के आते हैं और बहुत इजी होता है घेवर बनाना बस थोड़ी सी आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है देखिए पहला और दूसरा घेवर थोड़ा सा कम अच्छा बनता है लेकिन जब आप उसको बनाने लगते हो ना तो तीसरा चौथा घेवर बहुत अच्छा निकलता है और यहाँ देखिए इसको बहुत अच्छे से हाथों से फेंटना है और इतना पतला कर लेना है जितना पतला दूध होता है ना जो कच्चा दूध होता है बस उतना ही पतला हमें इसको रखना है और मैंने जो है घेवर बनाया था जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ना उसके ढक्कन में मैंने छेद कर लिया था तो उससे ना मतलब तो घेवर को ये बेटर है जो तेल में डालने में ईजी रहता है क्योंकि है तो नॉर्मल करछी से भी डाल सकते हैं बट इस तरीके से बॉटल की हेल्प से डालेंगे तो अच्छे से से जो है घेवर तैयार हो जाता है तो इस तरीके से इसकी सारी जितनी भी गुटलियाँ थी वो मैंने तोड़ ली है और इसकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं बिल्कुल दूध जितना जो पतला है उतना इसको करना है इस तरीके से हाथों से फेट फेट कर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैंने इसमें जो बर्फ़ है ना वो भी छोड़ दी थी ताकि ये ठंडा रहे बैटर अब यहाँ पर देखिए एक तरफ चाशनी जो है ना वो अच्छे से पक चुकी है एक तार की आपको इसको जो है चाशनी को बनाना है दूसरी तरफ दूध में मैंने थोड़े से केसर डाल दिए हैं तो इसको बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अच्छे से जो है इसको अभी पकने देना है अभी इसमें मैंने सिर्फ केसर की कुछ पंखुड़ी डाली है और उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे से और पकाऊंगी जब तक वहाँ पर दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं तब तक यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कट कर लेते हैं तो मैंने पिस्ते जो है ना वो कट कर लिए हैं और साथ में मैंने बादाम भी कट कर लिए थे और जो घेवर का बैटर बनाया था उसे हमें गर्मी में नहीं रखना है तो उसको मैंने फ़्रिज में रख दिया था क्योंकि वो जितना ठंडा आप यूज़ करेंगे उतना ही जालीदार घेवर जो है ना वो निकल के आता है तो वंशिका ने यहाँ पर एक काम मेरे लिए ईजी कर दिया था कि उसने ना पिस्ते जो है छील के रख दिए थे मेरे लिए एक साइड में तो बस अब मैं इनको फटाफट से कट कर लूँगी क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है हमारे लास्ट में काम आने वाले हैं और जब ऐसे काम करो तो बच्चे बहुत हेल्प कराते हैं अब देखिए दूध बिल्कुल आधा हो चुका है यहाँ पर मैं इसमें ऐड करी हूँ चार से पाँच चम्मच चीनी और दूध का कलर भी चेंज हो गया है में मैंने यहाँ पर तीन ब्रेड क्रम्स जो है ना वो भी ऐड किए तो आपको नॉर्मल ब्रेड लेनी है उसके जो चारों किनारी है वो कट कर देनी है और बस मिक्सी में पीस लेंगे और बस इसको ऐड कर देंगे और दूध में पकाएंगे यहाँ पर मैं इसमें इलायची पाउडर भी डालूंगी थोड़ा सा और यकीन मानिए इस तरीके से आप रबड़ी बनाएंगे ना इतनी टेस्टी बनती है ना किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें ब्रेड क्रम्स भी जो है मिलाए हैं इसको अभी चार पाँच मिनट तक जो है पकाना है और यहाँ देखिए घेवर मैं चाय के बर्तन में ही बना रही हूँ जिसमें मैंने चाशनी बनाई थी क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं था तो इसमें थोड़ा सा अंदाजा ठीक आता है और इस तरीके से धीरे धीरे से आपको घेवर का बैटर जो है वो डालना है और फिर एक बार का जब ऑयल सेट हो जाए उसके बाद आपको दूसरी बार का बैटर डालना है बिल्कुल बीच में और जगह भी बनाते रहना है और दो तीन घेवर जो है स्टार्टिंग के इतने ज्यादा अच्छे निकल के नहीं आए थे लेकिन उसके बाद जो है ना फिर अच्छे घेवर निकल के आए थे तो यहां देखिए घेवर बहुत अच्छे से पक चुका है और मैं इसको निकाल रही हूँ मैंने बहुत ज्यादा मोटा घेवर अभी नहीं बनाया थोड़ा पतला ही रखा है बाकी के घेवर फिर काफी अच्छे बने थे और एक तरफ जो है रबड़ी भी तैयार हो गई है और ये जो घेवर है, इसको मैं निकाल लूंगी। जाली वाली ट्रे में तो इससे क्या होगा कि इसका जितना भी ऑयल इसमें बचा है वो सारा ट्रे में आ जाएगा तो ये देखिए घेवर बन हो गया तैयार बट ये कि घर पे बनाने का एक फायदा कि आप जितने मिर्ची खेवर बना सकते हैं बस एक बार ना थोड़ी सी ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब तक आपको फर्स्ट टाइम का अंदाज़ा नहीं आता जैसे आपको अंदाजा आता है ना उसके बाद फिर ये आपसे जो है बनने लगते हैं तो फ्लेवर तो ऑलमोस्ट रेडी है मैं बस थोड़े से और बनाऊँगी उसके बाद उसमें चाशनी लगा के और फिर इसको हम लोग रबड़ी से डेकोरेट करेंगे इसमें थोड़ा सा भी टाइम है देखे देखे। बना लिए थे फाइनली जो है अभी इसको डेकोरेट करने की बारी आती है तो सबसे पहले जो है हम इसमें चाशनी डालेंगे चाशनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए बहुत ज़्यादा मीठा अगर आपको खाना है तो खूब सारी डाल दीजिए थोड़ा सा कम मीठा खाना है तो थोड़ी सी कम ही रखिएगा उसके बाद इसमें जो रबड़ी है ना उसको डालेंगे रबड़ी मैंने थोड़ी ठंडी कर ली थी तो ठंडी करने से क्या होता है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और अच्छे से जो है लग जाती है और बस अब इसके ऊपर हम लोग ड्राई फ्रूट डाल देंगे और हमारे घर पे बने हुए रबड़ी घेवर एकदम तैयार हैं और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और जब आप घर पे कुछ ऐसी चीज़ बनाते हो ना तो उसकी जो संतुष्टि होती है वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है मैंने पिस्तों से जो है इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है थोड़े से बादाम भी जो है डाल दिए हैं और ये देखिए घेवर बन के हो गया है तैयार एक लुक जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से ही मैंने जो है ना सारे घेवर बना लिए थे